ग्रामीणों से अवैध वसूली के मामले को पूर्व विधायक ने किया खारिज, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जानकारी। आरोप सत्य से परे, स्पष्ट जांच की जरूरत। खीरू महतो, अकेला बिहारी महतो साजिश में नहीं हो सकता शामिल, और भी लोग हैं शामिल। पूर्व विधायक खीरू महतो ने रामगढ़ एसपी से गंभीरता पूर्वक जांच करने की रखी मांग। आजाद सिपाही में आपका स्वागत है, मैं हूं राकेश सिंह। रामगढ़ से बीरू कुमार की रिपोर्ट। कोयलांचल के वेस्ट बोकारो क्षेत्र में कद्दावर नेता के रूप में स्थापित जदयू के पूर्व विधायक खीरू महतो अपने पोते के अपहरण की साजिश नाकाम होने के बाद मीडिया से मुखातिब हुए। शनिवार को उन्होंने रामगढ़ शहर के एक होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि सीसीएल में नौकरी दिलाने के नाम पर ग्रामीणों से अवैध वसूली करने जैसा गंभीर आरोप उन पर लगाया गया है। उन्होंने उस आरोप को सिरे से खारिज कर दिया। श्री महतो ने कहा कि बिहारी महतो और उनके साथियों ने जो बात पुलिस को बताई है उसमें कोई सत्यता नहीं है। ना तो उन्होंने किसी भी ग्रामीण से पैसे लिए हैं और ना ही किसी को सीसीएल में नौकरी दिलाने का झांसा दिया है। जमीन अधिग्रहण और नौकरी देने के मुद्दे पर सीसीएल का अपना कानून है, उसी आधार पर नियोजन होता है, उसमें किसी भी स्तर पर मेरा हस्तक्षेप नहीं होता है। खीरू महतो ने रामगढ़ पुलिस द्वारा की गई जांच को लेकर भी टिप्पणी की है। उन्होंने कहा है कि बिहारी महतो अकेले इस कहानी को नहीं गढ़ सकता है, इसके पीछे और भी कई लोगों का हाथ हो सकता है। जिस वक्त उन्हें पोते हर्ष राज के अपहरण की भनक लगी थी उसी वक्त उन्होंने ये शंका भी जाहिर की थी। गिरफ्तार लोगों में शामिल बिहारी महतो, विकास महतो, अबू रहमान और कैलाश महतो से अगर सख्ती से पूछताछ की जाए तो अन्य लोगों का नाम भी सामने आ सकता है। खीरू महतो ने कहा कि जांच के दायरे को पुलिस और बड़ा करे। वो सिर्फ केदला बस्ती ही नहीं बल्कि वेस्ट बोकारो ओपी क्षेत्र के 5-7 गांव का जायजा ले, वहां के ग्रामीणों से बात करे तो सच्चाई सामने आ सकती है। पिछले 30 वर्ष तक वे इस क्षेत्र में मुखिया के पद पर रहे थे, साथ ही विधायक के रूप में भी उन्होंने लोगों की सेवा की है। किसी भी व्यक्ति के द्वारा उन पर पैसे के लेन देन को लेकर आरोप नहीं लगाया गया है। अगर वे किसी से पैसे लेते तो ग्रामीण के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर सकते थे। अगर ये नहीं भी होता तो कम से कम गाँव में ही ग्रामीणों की बैठक होती, लेकिन ऐसा कहीं भी कुछ नहीं हुआ है। क्या था पूरा मामला इसके पिछले वाले वीडियो में हमने बताया था, तो वो वीडियो मैं इसमें प्ले कर दे रहा हूँ, तो आप जान सकते हैं कि पूरा मामला क्या था। नौकरी लगाने के नाम पर युवकों से पैसा वसूलना, पूर्व विधायक को पड़ा भारी। परेशान युवकों ने रच दी उनके पोते के अपहरण की कहानी। नमस्कार, आजाद सिपाही में आपका स्वागत है, मैं हूँ राकेश सिंह। रामगढ़ से बीरू कुमार की रिपोर्ट। मांडू विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक खीरू महतो को ग्रामीणों को झांसा देना भारी पड़ गया। जिन युवकों को नौकरी लगाने का झांसा दे रहे थे उनसे रुपए ऐंठ रहे थे, उन लोगों ने ही पूर्व विधायक के पोते की अपहरण की कहानी रच डाली। हालांकि रामगढ़ पुलिस ने इस साजिश को नाकाम कर दिया, साथ ही 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। इस मामले की पूरी जानकारी शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एसपी प्रभात कुमार ने दी। उन्होंने बताया कि खीरू महतो ने नौकरी के नाम पर गांव के ही लोगों से पैसे लिए थे, लेकिन वे न ही पैसे वापस कर रहे थे न ही नौकरी दिला रहे थे। इसी से परेशान होकर युवकों ने उनके पोते की अपहरण की कहानी रच दी। पुलिस मुख्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में एसपी प्रभात कुमार ने बताया कि वेस्ट बोकारो ओपी क्षेत्र केदला बस्ती निवासी सह पूर्व विधायक खीरू महतो के पोते हर्ष राज के अपहरण की योजना उनके गांव के ही बिहारी महतो ने रची थी। उसने अपने मौसेरे भाई रजरप्पा थाना क्षेत्र के जेमरा गांव निवासी कैलाश महतो, विकास कुमार महतो और अबू रहमान उर्फ एपी के साथ मिलकर अपहरण की योजना तैयार की थी। 29 और 30 जून को इन लोगों ने हर्ष राज को अपहरण करने के लिए केतला बस्ती में राउंड भी लगाया था, लेकिन खीरू महतो को इस बात की भनक लग गई। उन्होंने इस मामले में तत्काल पुलिस को एक लिखित शिकायत की। इसके बाद रामगढ़ एसडीपीओ किशोर कुमार रजक के नेतृत्व में एक विशेष टीम बनाई गई। पुलिस ने तत्काल बिहारी महतो को केदला बस्ती से गिरफ्तार कर लिया। जब उससे पूछताछ हुई तो उसने अपने साथी कैलाश कुमार महतो, विकास कुमार महतो और अबू रहमान के बारे में पूरी जानकारी दी।
इधर रजप्पा थाना क्षेत्र में अन्य तीनों अपराधियों को पकड़ने के लिए डीएसपी हेडक्वार्टर संजीव कुमार मिश्रा के नेतृत्व में विशेष टीम बनी। पुलिस ने कैलाश महतो के घर छापेमारी की तो उसके पास से एक देसी पिस्तौल, दो जिंदा गोली और एक मोबाइल बरामद हुआ। पुलिस की तफ्तीश में ये बात भी सामने आई कि कैलाश महतो पहले भी कटोरिया नामक अपराधी के साथ जेल जा चुका है, इसका आपराधिक इतिहास भी है। विकास महतो और अबू रहमान का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, उन दोनों को इस कांड में पहली बार शामिल किया गया था। आजाद सिपाही में अभी इतना ही। आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।